मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आज 29 दिसंबर 2021 है और आज हमारे ममता की माँ परिवार में एक बच्चा है प्रखरराज गुप्ता, जिसे आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। उसकी भांजी शिविशिका शिवी का बर्थडे है, तो इन्होंने हमारे पास बड़ा प्यारा सा आर्टिकल भेजा है। ये कहते हैं, आई लव यू मेरी लाडो, पता ही नहीं चला कि कब तुम देखते देखते एक साल की हो गई। वैसे वे मामा तो बहुत से बच्चों का पहले ही से था, ममेरी चचेरी बहन के बच्चे भी तो मेरे भांजे भांजी ही तो हुए, लेकिन फिर भी वो वाली फीलिंग्स नहीं आती थी, वो भावनाएं नहीं आती थी, कुछ अधूरा सा लगता था। अपनी खुद की भांजी चाहिए थी और मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी। दीदी की शादी से ही मुझे इसी पल का इंतज़ार था। यकीन मानो, मुझे पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, बस इंतज़ार था। और द मोस्ट अवेकिंग मोमेंट फॉर मी जो पूरा हुआ 29 दिसंबर 2020 को, सुबह जब मैं कॉलेज में था, मेरे पास न्यूज़ आई, मुझे पता चला मेरे घर में नन्ही परी आई है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, हुर्रे, हा, 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 हा। सभी लोग मुझको देखने लगे। मैं तो तुमको देखने के लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि तुम्हारा जन्म कोरोना में हुआ था, दीदी आ नहीं सकती थी। अब तुमको मैंने वीडियो फोटो में ही देखा, कितनी प्यारी कितनी नटखट हो। मैंने तुमको 6 महीने के बाद ही देखा और अपने गले से लगा लिया। अब तो तुम इतनी नटखट हो गई हो, शैतानी करने लगी हो, वाकर चला चला कर सीढ़ियों पर जीना चढ़ जाती हो, बिजली की बोर्ड के पीछे पड़ी रहती हो, इतने सारे खिलौने होने के बावजूद भी। दीदी जब मेडिसिन लेकर आती है तो दूर से ही मुँह फेर लेती हो और खिसक खिसक कर भागने लगती हो। बहुत तेज है मेरी भांजी, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें देख करके, खुद को ही बाबू बाबू कहती रहती हो, अपने बड़े मामा का राज राज नाम लेती रहती हो, पापा पापा टाटा टाटा और हाय बोलती हो, बहुत क्यूट लगती हो, जैसी भी हो बड़ी मज़ेदार हो तुम। लव यू, गुड मॉर्निंग का एक्सप्रेशन करना, दीदी की नकल करना और बेड पकड़ कर चलना, मुझे यकीन है जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो दीदी की नाक में तो दम कर दोगी। तुम बहुत तेज हो, अपनी चीज़ों को पहचान लेती हो, तुमको अपना ब्लैंकेट कंबल के बिना तो नींद ही नहीं आती है, अपना टॉवल अपना डायपर और अपना बेबी प्रोडक्ट, और हाथ पैर भी चलाने लगी हो, किसी को खाना भी नहीं खाने देती हो। तुम पहले, तुमको सबसे पहले खाना चाहिए, तुरंत आ जाती हो, तुम्हारे पास तो कोई बैठ के खाना खा ही नहीं सकता, और अपने दांतों से काटती भी हो और थप्पड़ भी मारती हो और गुस्सा भी करती हो, ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारा रोना चिल्लाना सब मन को बहुत भाता है। तुम 1 साल की हो गई, यकीन ही नहीं हो रहा, हर महीने बर्थडे मनाते मनाते 1 साल हो गया। बर्थडे के लिए आपके माता पिता ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, पार्टी का, और दादा दादी ने तो भागवत भी कराई है। भाई प्रखर राज, हम आपके दिलो जान से आभारी हैं, आप प्रतिदिन हमें जो टेलीकास्ट भेज रहे थे भागवत का, तो उसे हमने भी देखा, हमारे पूरे परिवार ने भी देखा, और बेटा आपके अनुसार हमने सारे लिंक ममता दीदी को भी आपके शेयर कर दिए थे, वहाँ पर भी सब लोग देख रहे हैं और आनंद ले रहे थे उसका। बस तुम तो मोबाइल भी बहुत देखती हो, कम देखा करो, और तुम एक अच्छी इंसान बनो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। तुम्हारे मामा की तरफ से तुमको ढेर सारा प्यार। आगे प्रखर राज ने बड़ी छोटी सी कविता अपनी भांजी के लिए भेजी है, कहते हैं कि मम्मी की गुड़िया रानी हो तुम,
मामा की खुशियों की दुनिया हो तुम, मम्मी की गुड़िया रानी हो तुम, मामा की खुशियों की पुड़िया हो तुम, हंसी की खिलखिलाती फुलवारी हो तुम, हमारे लिए खुशहाली हो तुम, खुदा बुरी नज़र से बचाए तुमको, चांद सितारों से सजाए तुमको, गम क्या होता है तो तुम भूल ही जाओ, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए तुमको, ये दिन ये महीना ये तारीख जब जब आई, ये महीना ये दिन तारीख जब जब आई, हमने बड़े प्यार से जन्मदिन की महफिल सजाई, इस रात की रोशनी ने हमें मेरी प्यारी भांजी की चांद जैसी सूरत दिखाई, कहते भाई मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, अब प्रखर राज भाई हमें बहुत अजीज़ है क्योंकि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, न जाने कितनी बार हमने इनकी दीदी का भैया का जन्मदिन मनाया, एनिवर्सरी मनाई, तो भाई आज हम अपनी इस नन्ही सी गुड़िया का भी बर्थडे मनाना चाहेंगे, हम इसके लिए कहना चाहेंगे, हो सदा इसी तरह खुशियों भरा हर दिन, पूर्ण हो आशाएं सब की सब हो जाए मुमकिन, ऐसी प्रभु से है प्रार्थना, जन्मदिन की तुम्हें शुभकामना, जन्मदिन की तुम्हें शुभकामना, दुआओं के लेके साए, दुआओं के लेके साए, आशीर्वाद तुझ पे लुटाए, लाख संभाले हम सब दिल को, दिल में तू ही समाए, खुशियों का सर पे तेरे ताज हो, सुख में तेरा संसार हो, सुख में तेरा संसार हो, हो सदा इसी तरह खुशियों भरा हर दिन, पूर्ण हो आशाएं सब की सब हो जाए मुमकिन, ऐसी प्रभु से है प्रार्थना, जन्मदिन की तुम्हें शुभकामना, हो दादा दादी की तुम प्यारी, मम्मी पापा की दुलारी, मामा दोनों जान लुटाए, नाना नानी जाए बलिहारी, प्रभु की कृपा से तू जो मिली, प्रभु की कृपा से तू जो मिली, ऐसी प्रभु से है कामना, जन्मदिन की तुम्हें शुभकामना। तो भाई मेरी लाडली को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रखर राज के दीदी जीजा जी, इनके मम्मी पापा दादा दादी पूरे परिवार को इस ममता की माँ परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और बस प्रभु इसको दीर्घायु बनाए, सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा इस पर हमेशा बनी रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। टाटा बाय।